हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है, हम एक काइट की वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर है। मटेरियल्स जो हमें चाहिए वो है एक पेंसिल, एक स्केल, एक सीजर, एक ग्लू, थोड़ी सी थ्रेड और एक सर्कल चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें एक A4 साइज शीट चाहिए जिसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें एक साथ लेना है और फिर इन्हें फोल्ड कर कर एक रेक्टेंगल में बनाना है और पॉइंट्स आपको ध्यान से रखने हैं। लीजिए, रेक्टेंगल बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक और रेक्टेंगल बनाना है तो अब आप क्या करिए कि आप इसे खोल लीजिए। तो आपका शेप कुछ इस तरह आना चाहिए दोनों शीट्स पर। अगर ये शेप आ रहा है तो मतलब आपका जो फोल्ड हुआ है वो अच्छे से बना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक शीट लेनी है, इसे दोनों तरफ से एक और बारी फोल्ड करना है ताकि वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो मैंने इन्हें फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों को लेना है, इनको वापस इकट्ठा करना है और हमें जो बीच वाली लाइन है, अगर आप इस तरह से देखते हैं तो हमें इसको काटना है। तो देखिए, मैंने इन्हें काट लिया है। अब आपको हर एक पीस को वापस ऐसे फोल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी मनपसंद शेप बनानी है। क्योंकि मैं काइट बना रहा हूं इसलिए मैंने ये शेप बनाई है, ये काइट की शेप है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का गैप दिया और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप दिया। आप इस पे कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर आप वैलेंटाइन डे के लिए बना रहे हैं तो आप इस पे हार्ट शेप भी बना सकते हैं। जितने भी हमने फोल्ड करे थे हमें वो इसके अंदर डालने हैं और फिर ये जो लाइन है इसे हमें काटना है। देखिए, मैंने काइट शेप काट ली है। तो अगर अब हम इसे खोलेंगे तो हमें हमारी जो कटआउट्स हैं हमें उतना ही नंबर मिलेगा। देखिए, मैंने ये काट लिए हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है ताकि हम एक 3D काइट बना सके। तो जोड़ने के लिए आपको लगेगी ग्लू। तो इसको जोड़ने के लिए आपको काइट का जो पीछे वाला हिस्सा है, सबसे पहले उसके एक साइड पर कोनों पर ग्लू लगा ली है। ये लग गई। अब हमें इसको इस पर चिपकाना है। आपको कुछ इस तरह से चिपकाना है जिससे कि आपकी जो काइट है वो 3D दिख सके। देखिए, मैंने इसे एक साइड से जोड़ दिया है। अब दूसरी साइड पे भी हम इसे जोड़ेंगे। इस पर भी आपको शीट चिपकानी है पर अलग कलर की।
अब आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट वाला बचा है हम अभी उससे नहीं जोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, आप अपनी मर्जी की कोई भी एक वूलन कलर ले सकते हैं। मैं पिंक कलर ले रहा हूँ। ये रहा मेरा थ्रेड। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पेस है आपको इस पर आपका थ्रेड रख देना है, देखिए ऐसे। फिर आपको जोड़ना है ताकि हमारा जो थ्रेड है वो अंदर ही रह जाए, ये बाहर ना दिखे। फिर आप ग्लू लगा दीजिए और इसे बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स मैंने ये चिपका दिया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये 3D भी है और ये काफी सुंदर भी लग रहा है। आपको क्या करना है, जो बचा हुआ थोड़ा सा थ्रेड है आपको उस पे दो और लगाने हैं। मैंने पहले से बना रखे थे गाइस, मैंने इसको धागे पर लगा दिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एंडिंग के लिए मैंने पेपर से यही एक काइट बनाई है, पर ये साइज में थोड़ी छोटी है। हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें एक रिंग जैसी एक चाहिए जो थोड़ी बड़ी हुए, हम उस पर ये टांगेंगे और आप मल्टीपल भी टांग सकते हैं। देखिए मैंने एक रिंग पहले से ली हुई थी और इस पर ये टांग भी दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरे वाले इस पर कैसे टांगेंगे। आप बीच में एक धागा बांधिए, उसको इन दोनों के साथ कनेक्ट कीजिए। फिर आप क्या कीजिए, हमने हमारा जो हैंगिंग बनाई है उसे आप इस धागे पर टांगिए और फिर इस सर्कल को ऐसे कर दीजिए ताकि ये नीचे लटके। हमें इस पे बस एक गांठ बांधनी है। देखिए मैंने इस पे गांठ बांधी है, बची हुई गांठ को हम काट देंगे। मैंने काट दिया है। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे वॉल हैंगिंग बस बन चुकी है। अब इसे टांगने के लिए हम ऊपर एक हुक बनाएंगे और वो भी हम वूल से बनाएंगे। तो मैंने एक और थ्रेड ले ली है और अब हम इस पे बांधेंगे। तो आपको बांधते समय ये ध्यान रखना है कि ये बीच में ही है। गाइस मैंने इस पे गार्ड बांध दिया है, अब ये सजावट के लिए रेडी। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।